हेलो गाइस, डॉक्टर प्रणय मोरे, डायरेक्टर फ्यूजन एस्थेटिक क्लिनिक बांद्रा मुंबई। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक केयर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, यानी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसे ख्याल रखा जाए। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी के बाद सर भारी होता है और कुछ चीजें जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो समझ में आती है, कुछ नहीं आती। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है, आप कहीं पर भी रुक जाओ तो ये वीडियो देख कर समझ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हम एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें चार टैबलेट्स होती हैं, एक एंटीबायोटिक होती है, दूसरी पेन किलर होती है, तीसरी सूजन के लिए होती है और चौथी इचिंग यानी खुजली के लिए होती है। ये टैबलेट्स हमें दोपहर को खाने के बाद और रात को खाने के बाद लेनी है, खाली पेट इसे नहीं लेना है। पहली वाली जो एंटीबायोटिक है उसे 5 दिन के लिए लेना है, बाकी तीनों टैबलेट्स आपको 3 दिन के लिए लेना है। आपको रात को सोते वक्त 2 तकिया पीछे लेके सोना है ताकि आपका हेड स्टेबल रहे और कहीं पर भी आपके ग्राफ्स टच ना हो। आपको एक सर्जिकल कैप दी जाएगी, वो यहाँ से लेकर जाए क्लिनिक से लेके पहुंचे या आपके घर तक जाए तक पहननी है ताकि डस्ट, इन्फेक्शन कुछ भी आपको इफेक्ट ना हो। इसके साथ हम आपको एक स्प्रे देंगे जिसमें नॉर्मल सलाइन होगा, नॉर्मल सलाइन का एक स्प्रे देंगे जिसको हर घंटे आपको स्प्रे करना है। जी हाँ, रात को भी इसे स्प्रे करना पड़ेगा, पहले 5 से 6 दिनों तक हमें इसे स्प्रे करना होगा ताकि आपका इम्प्लांटेड एरिया गिल्ला रहे और ग्राफ्स मरे ना। अभी इसके अलावा और एक प्रिकॉशन मैं बता रहा हूँ, जो हम जब आप घर जा रहे होंगे या घर पहुंचने के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग हो इम्प्लांटेड एरिया से, घबराना नहीं है। आपको एक गॉज प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से, उसको उस जगह पे दबा के रखना है, स्क्रैच नहीं करना है, दबा के रखना है, घिसना नहीं है। 2 से 3 मिनट में वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं तीसरे दिन के लिए, Day 3 यानी कि तीसरा दिन। तीसरे दिन पे हमें लगाई हुई पट्टी को यहां से कट करना है, पट्टी निकाल देनी है। पट्टी निकालने के बाद एक बाउल में, एक कटोरी में विटाडिन की एक कैप लेनी है, स्टराइल गॉज लेना है, उसमें उसको डिप करके डोनर एरिया पे जहाँ से बाल निकाला गया है वहाँ पे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको वहाँ पर फ्यूसरी क्रीम लगानी है, वो भी सेम ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे आपको दिन में 2 बार ऐसे 5 दिनों तक करना है। डे सेवन यानी कि 7वां दिन। 7वें दिन पर आपको सवेरे शेविंग फोम से और शाम को बेबी शैम्पू से इम्प्लांटेड एरिया को क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डे 15 से आपकी टैबलेट शुरू, जिसमें मल्टी विटामिन्स, जिसमें हेयर सप्लीमेंट्स होंगे, दूसरी फिनिश। ये दोनों टैबलेट्स आपको सवेरे नाश्ते के बाद लेनी है और एक मिनोक्सिडिल होगा जो आपको सवेरे और शाम में। 15 डे से लेके 38 डे तक यानी कि 15वें दिन से 30वें दिन तक आपको सिर्फ बेबी शैम्पू से आपका इम्प्लांटेड एरिया और पूरा स्कैल्प क्लीन करना होगा। डे 30 को आपके फोटोज देख के हम बताएंगे कि आपको हेयर वॉश के बाद कौन सा शैम्पू यूज करना है, कि शैम्पू चेंज करना है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 3rd day, 5th day, 7th day, 15th day, 30th day यानी कि 3, 5, 7, 15, 30वें दिन के आप फोटोज भेजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ गलत होगा तो फोटोज देख के उसे करेक्ट करने की कोशिश करिए। आपको सबसे मेन चीजें याद रखनी है, आपको 1 महीने तक जॉगिंग, स्विमिंग या हेलमेट पहनना अलाउड नहीं है। आपको जो स्मोकर्स और ड्रिंकर्स हैं उनको 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करना होगा। इसके अलावा हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप पहले 5 दिन तक सर्जिकल कैप पहन के बाहर निकले, उसके बाद 5वें दिन के बाद कोई बंडाना या कोई लूज कैप पहन के ही बाहर निकले।
अगर इचिंग हो तो स्क्रैच आपको नहीं करना है, आपको स्वेलिंग, इचिंग या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया हमें फोन करें, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।